दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। ये मेरे पास मैस्ट्रो एज है BS6। इस गाड़ी के अंदर तकलीफ है, ये चाबी को चालू किया, ठीक है, यहाँ पे ये चेक लाइट चालू हो गया। गाड़ी भी चालू हो रहा है लेकिन बहुत मुश्किल से गाड़ी चालू हो रहा है। ये गाड़ी चालू कर रहा हूँ, गाड़ी चालू कभी कभी हो रहा है, कभी कभी नहीं भी हो रहा है। वापस चाबी को मैंने बंद किया, वापस अभी चाबी को चालू कर रहा हूँ। ये मीटर में चेक लाइट जलता हुआ दिख रहा है और ये गाड़ी चालू करता हूँ, देखता हूँ चालू हो रहा है। अभी थोड़ा बैटरी डाउन भी दिखा रहा है। दोस्तों ये गाड़ी तो मैंने चालू कर दिया लेकिन गाड़ी चल नहीं रही है। एक्सीलेटर देंगे ऐसा लग रहा है कि बंद हो जा रहा है। ये देखो ये झटके मार रही है, ठीक है, गाड़ी चालू है। और ये बिल को दिखा दूँ, बिल भी चालू है, ठीक है। और ये मेन तकलीफ है, इसका चेक लाइट जा नहीं रहा है। चेक लाइट नहीं जा रहा है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट है, सेंसर वगैरह का फॉल्ट है। तो अब इसको पहला मैं स्कैनर लगाता हूँ, स्कैनर लगा के देखते हैं। अभी गाड़ी चालू है, बंद हुआ, ठीक है, पहला स्कैनर लगा के देखते हैं। स्कैनर है मेरे पास B311, बहुत बढ़िया स्कैनर आता है। अगर आप लोगों को भी लेना होगा तो ये स्कैनर ले सकते हो, इसमें बहुत सारा फीचर आता है। इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, चाबी ऑन ही था गलती से, चाबी बंद होना चाहिए था। और उसके बाद में इसको इंटर करेंगे, ठीक है, इंटर हुआ, थोड़ा सा टाइम लेगा। इधर दिखा रहा है MIL स्टेटस ऑन, यानी लाइट ऑन है, उसके लिए ऑन दिखा रहा है। अब इसको वापस मैं इंटर करूँगा, रीड कोड पे आया, रीड कोड पे जाऊँगा, ये करंट DTC आएगा, करंट DTC पे जाऊँगा। इसके अंदर बहुत सारा फॉल्ट दिखा रहा है, 8 फॉल्ट दिखा रहा है। टोटल पैशन पोजिशन सेंसर वो तो सब दिखाएगा ही, देखते हैं क्या क्या दिखा रहा है। ये मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर है, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर है लो, ये वापस वही आ गया। इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर दिखा रहा है, एक सर्किट हाई, ठीक है। तो सब कोड को पहला, ठीक है, कोड को इरेज करके ये इरेज कोड पे आने का, नीचे वाले को बटन को प्रेस कर रहा हूँ मैं, फिर इसको यहाँ पे ओके किया, ठीक है। क्लियर रिसेट एमिशन, मतलब पूछ रहा श्योर हो तो श्योर हूँ, इसको ओके किया, ठीक है। अभी ये चाबी ऑफ करने को बोला, ये क्लियर हो गया, यहाँ पे दिखा दो, ये क्लियर किया, ठीक, मारो जरा, बैटरी भी थोड़ा सा डाउन हो गया, मारो, ये क्लियर किया लेकिन क्लियर हुआ नहीं और गाड़ी भी झटके मार रही है पूरा। तो इसको पहला चेक करते हैं, सेंसर जो बता रहा है ये, तो पहला ये सीट निकालते हैं फिर देखते हैं। मैंने खोल दिया और बहुत चूहा काटा होगा तो जाके इतना टेपिंग किया हुआ है। और इसके अंदर सेंसर का तो वायर सभी लगा हुआ ही है, इंजेक्टर का तो था नहीं, इसका था, ये भी वायर लगा हुआ ही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये O2 सेंसर है, इसका भी वायर लगा, O2 सेंसर का कोड नहीं था, कोड था EOT का, एक मिनट, ये यहाँ पे वायर कटा पड़ा है इसका, EOT सेंसर का, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। जब तक ये सेंस नहीं करेगा तो कैसा गर्म है कि ठंडा है वो मालूम नहीं पड़ेगा। इसका वायर यहाँ से निकाला है, दोनों वायर कट है EOT का, यहाँ पे दो वायर है और दो वायर यहाँ पे है। तब ये वायर को पहले ज्वाइंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही देखते हैं एक एक निकालेंगे, क्योंकि EOT का सेंसर दिखा रहा है, बाकी तो सब ठीक है। कभी वोल्टेज नहीं होने के हिसाब से बहुत सारा फॉल्ट शो करता है, लेकिन ये तो सामने लाइव दिख रहा है, वायर काटा चूहे ने। तब इसको वायर को पहले ज्वाइंट करता हूँ फिर देखते हैं। चाबी को बंद कर दो, ये वायर को मैंने एक को छील लिया, दूसरे वाले को छील रहा हूँ, और इसके बाद में इसको ज्वाइंट करते हैं और फिर देखते हैं बाकी कोड इरेज करेंगे। दोस्तों फाइनली वायर को मैंने ज्वाइंट कर लिया और पहला गाड़ी एक बार स्टार्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे क्या दिखा रहा है इसमें। दोस्तों ये गाड़ी एक सेल्फ में गाड़ी चालू हुआ यही, जबकि अभी ऐसा लग रहा था कि बैटरी डाउन है। वापस अभी चालू करता हूँ, एक किक में गाड़ी चालू हुआ,
और गाड़ी का पिकअप भी अच्छा हो गया। ये एक्सीलेटर पहला सपोर्ट नहीं करता था, बहुत ज़्यादा मतलब गाड़ी दबती थी, अब ये बिल्कुल भी गाड़ी दब नहीं रही है, एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। ये यूओपी सेंसर होता है, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, ये BS6 गाड़ी के अंदर चोक तो आता नहीं है, और चोक नहीं आएगा तो चोक का काम वही करेगा, इंजन कौन सा पोजिशन पर है, ठंडा है कि गर्म है, तो वो ECM को संकेत देगा। गाड़ी ठंडा है तो ECM जो है पेट्रोल का छिड़काव ज़्यादा बढ़ा देगा और उसके हिसाब से स्टार्टिंग में अच्छा रहेगा। जब ही गर्म हो जाएगा तो गर्म का संकेत दे देगा ECM को, तो उस हिसाब से पेट्रोल का छिड़काव थोड़ा कम हो जाएगा और गाड़ी चलता रहता है। वापस एक बार गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। बैटरी अभी भी डाउन है, ये लोगों ने बहुत सेल्प मार मार के बैटरी को डाउन कर दिया। अभी हाफ किक में गाड़ी चालू है और यहाँ पे चेक लाइट अभी भी बना हुआ है, तो इसको चेक लाइट को अभी इरेज करते हैं हम लोग। स्कैनर लगाता हूँ दोस्तों, चाबी को मैंने बंद कर दिया और स्कैनर लगा रहा हूँ। अभी इसको स्कैन करके देखते हैं ये कोड इरेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इंजेक्टर इसका वायर टूटा था IoT का। तो अभी स्कैनर को लगाया, इसको इंटर किया, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी इसके अंदर होल्ड ऑफ दिखा रहा है, जबकि स्कैनर लगा हुआ नहीं था, तो भी इसको कोड को इरेज करेंगे। कोड को इरेज किया, पूछ रहा है श्योर हो, चाबी बोल रहा बंद करने के लिए, चालू करने के लिए, गाड़ी बंद रहना चाहिए, चाबी चालू है और गाड़ी बंद है। अभी इसको एक बार क्लियर कर दिए, अभी ये क्लियर हो गया। अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और लाइट भी चले गया और गाड़ी भी परफेक्ट हो गया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है, और वीडियो में लाइक कीजिए।